हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल मोन्स एडिटर। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज का जो मेरा वीडियो कौन से टॉपिक पे होने वाला है। सो हाँ, आज मैं मैकडॉनल्ड्स के महाराजा मैक को रिव्यू करने वाला हूँ। और ये रिव्यू करने से पहले, मतलब एक दिन पहले, मतलब कल मैंने एक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे पोल रखा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे करूँ। और मैंने दो ऑप्शन भी रखा था, मैकडॉनल्ड्स महाराजा मैक या फिर KFC चिकन रोल। सो जिसमें से 80 या 90% लोगों ने मुझे मैकडॉनल्ड्स महाराजा मैक पे वोट करा। और तो इसीलिए ये जो वीडियो है मैकडॉनल्ड्स महाराजा मैक पे ही है। और जो लोग KFC के चिकन रोल पे वोट किए थे, सो डोंट वरी, चिकन रोल पे भी इस वीक के लास्ट तक या फिर नेक्स्ट वीक तक एक वीडियो आ ही जाएगा। और हाँ, मैकडॉनल्ड्स महाराजा मैक के रिव्यू के लिए मुझसे बहुत से लोगों ने सिर्फ वेज पे ही कहा कि वीडियो बनाओ कि वेज पे ही करना, वेज महाराजा मैक ही लेना। तो मैं बता दूं कि इतना कंफ्यूजन नहीं करते हैं, मैं भी जा रहा हूँ और मैं दोनों ही ऑर्डर कर दूंगा, वेज और नॉन वेज दोनों ही। तो जिसको वेज पसंद है वो वेज वाले को देख लेना, और जिसको नॉन वेज पसंद है नॉन वेज वाले को देख लेना। इससे दोनों को आइडिया मिल जाएगा कि वेजिटेरियन वाला कैसा, नॉन वेजिटेरियन वाला कैसा है। सो इससे दोनों को ही आइडिया मिल जाएगा। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रिवर साइड मॉल, वहाँ पे ही मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है। सो वहाँ से अपना मैकडॉनल्ड्स महाराजा मैक लेकर आता हूँ, देन आके वापस घर पे ही रिव्यू करूंगा मैं, क्योंकि मैं घर पे ही प्रॉपर तरीके से बता पाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। शॉप पे तो बॉस काफी भीड़ रहता है और म्यूजिक भी बजता रहता है, तो बॉस कॉपीराइट का भी खतरा रहता है। सो इसलिए घर पे प्रॉपर तरीके से मैं बताता हूँ। तो चलो चलते हैं। और एक बात, जाने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किए हो तो यार यहाँ पे हैंडलिंग आ रहा होगा, कर लेना, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। सो चलो चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं अपनी रिवर साइड मॉल पे। ओके, तो अभी मैं अवनी मॉल पहुंच गया हूँ और बस मैं अब जाके मैकडॉनल्ड्स में अपना फटाफट महाराजा मैक ऑर्डर करके उसके बाद मैं तुम लोग से बात करता हूँ। ओके, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग से बात करता हूँ। अभी मैकडॉनल्ड्स में आके बैठा हूँ और मैंने अपना वेज एंड चिकन दोनों ही महाराजा मैक ऑर्डर कर दिया है। बस अब इन सबको मैं पैक करा के घर जाके मैं वापस से तुम लोग से बात करता हूँ। ओके, वैसे मैं बता दूँ, मुझे वेज महाराजा मैक का पड़ा 164 और चिकन महाराजा मैक का 174, और टोटल ये देख लो 355 टैक्स वगैरह लेके। बॉस, फाइनली मैं अपने मैकडॉनल्ड्स के महाराजा मैक को बचते बचाते लेके आ गया। और ये स्पेंसर की कैरी बैग को देख के कंफ्यूज रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है कि मैकडॉनल्ड्स वाले कोई कैरी बैग नहीं देते हैं, सो मुझे एक्स्ट्रा अपने तक घर के अपने घर से मैं ये ले गया था अलग से कैरी बैग। सो मैकडॉनल्ड्स वाले आपको ऐसे ही बस पाउच में दे देते हैं पैक करके, तो ये तक ठीक भी है, बट अगर आपको टेकअवे करना है तो बहुत थोड़ा बहुत तकलीफ तो हो ही जाता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ इतना बस्ते बचाते लेके आया, क्योंकि यार मेरे को तो मतलब खाने का टेस्ट के साथ साथ खाने का अच्छा दिखना भी जरूरी है। सो इसलिए मैं इसको बस्ते बचाते मतलब अच्छे से लाया कि कुछ कहीं से कुछ मुड़ वुड़ ना आ जाए और सब बिखर ना जाए, तो काफ़ी मतलब संभाल के मैं लेके आया हूँ। सो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए इन दोनों को मैं अनबॉक्स करके दोनों को दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने दोनों ही ले लिया है, वेज और नॉन वेज दोनों ही, तो चलो इन दोनों को अनबॉक्स करके दिखाते हैं देन। तो ये रहा मेरा वेज महाराजा मैक और चिकन महाराजा मैक। तो ये सामने वाला वेज है, ग्रीन स्टिकर लगा हुआ है, ये रेड स्टिकर वाला नॉन वेज। तो इन दोनों को अब मैं खोलता हूँ, और सबसे पहले वेज वाले को मैं खोलता हूँ। तो ये अंदर में देखो, अंदर में भी बॉक्स के ऊपर वो ग्रीन डॉट है, तो इसे भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। यार ये काफ़ी हेवी लग रहा है बट। तो ये रहा मेरा वेज महाराजा मैक, और साथ में क्या दिया है, तो ये साथ में दो केचप और ये टिश्यू, तो इसे साइड करते हैं अभी। अब चिकन महाराजा मैक को मैं बाहर निकालता हूँ, सबसे पहले इसे खोल लूँ। तो चलो यार, ये देख के काफ़ी सुकून मिला कि कुछ बिखरा हुआ नहीं है, वैसे भी मैंने काफ़ी संभाल के लाया हूँ इसे। तो ये चिकन महाराजा मैक, और साथ में इसमें भी वही दो केचप, हाँ दो केचप और एक टिश्यू, तो इसे साइड करते हैं। वैसे मैं बता दूँ, इस वेज महाराजा मैक का प्राइस है 164 और चिकन महाराजा मैक का 174, बट इन दोनों के साथ अगर मील में लेते हो आप तो 255 या 245 पड़ेगा। मील में एक रेगुलर फ्राइज मिलेगा और स्मॉल कोक मिलेगा। अब वेज वाले को मैं सबसे पहले अनबॉक्स करता हूँ, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये जो गोल सर्कल सा एक लगाया हुआ है रैप टाइप का,
इससे लेयर्स बिखरेगा नहीं, इसलिए ये लगाया गया है। ये सही है। तो चिकन वाले को मैं खोल लूँ, और इसमें भी वो रैप लगा हुआ है, तो इन दोनों को अब मैं हटा देता हूँ। हाँ देखो, इसमें हलपीनो चिपक गया है, इससे हटाता हूँ, और इन दोनों को अब मैं साइड करता हूँ। पहले मैं सबसे पहले तुम लोग को दिखाता हूँ वेज महाराजा मैक को सामने से। तो ये देखो, और इसमें तीन बन यूज़ किया हुआ है, एक ऊपर में, एक बीच में, एक मिडिल में है, एक नीचे में है साइड से। मतलब यार ये हैवी भी है, थोड़ा वेट भी है इसका, इसे रखता हूँ अभी। और अब चिकन वाले को मैं सामने से दिखाता हूँ, और इसमें ये भी दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या लेयर्स मतलब है। तो ऊपर में तो ये बन दिख ही रहा है, और उसके नीचे ये चिकन पेटी, और ठीक उसके नीचे हैलापीनो और लेटेक्स, और उसके नीचे एक और बन, फिर एक चिकन पेटी, और ये चीज़ और टोमेटो, और फिर लेटेक्स, और फिर एक बन। यार मानना पड़ेगा ये सच में महाराजा मैक है। तो अब इन दोनों को मैं टेस्ट करूंगा, तभी समझ में आएगा। पहले इसके पेटी को मैं देखता हूँ। सबसे पहले वेज महाराजा मैक के पेटी को चेक करते हैं, और ये मानना पड़ेगा यार काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है। और अंदर में मैं दिखाता हूँ इसका स्टफिंग क्या क्या है। वैसे तो ये चीज़ एंड कॉर्न पेटी है, और ये देख लो कॉर्न दिख भी रहा है। तो वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, तो इसे भी रखते हैं। अब चिकन महाराजा मैक के चिकन पेटी को देखते हैं। वैसे तो ये काफ़ी मतलब इसका जो स्मेल है स्मोकी टाइप का आ रहा है, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी है यार, तो इसे भी रखते हैं। और अब दोनों को अब मैं फाइनली टेस्ट करने जा रहा हूँ, और टेस्ट करके तुम लोग को इसका एक प्रॉपर रिव्यू देता हूँ। ओके, तो चलो टेस्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं वेज महाराजा मैक को टेस्ट करने वाला हूँ, और इसको टेस्ट करके मैं बताता हूँ कि कैसा है ये। और बॉस ये काफ़ी बड़ा है, मानना पड़ेगा, लेकिन ऑलमोस्ट जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, ये मतलब ऑलमोस्ट मेरे मुंह के आधे साइज का तो होगा ही, देख सकते हो, ये आधे साइज का तो है ही। सो सबसे पहले इसका पहला एक मैं बाइट लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग को बताता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ओके यार, मतलब आधा से ज़्यादा तो गिर ही जा रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन है कि इसको बाइट कहाँ से लूँ मैं। ये जो चीज़ एंड कॉर्न पैटी है ना, ये कॉकटेल जो सॉस है उसके साथ मतलब काफ़ी अच्छा इसका कॉम्बिनेशन एक लगता है। और मैं बता दूँ, एज यूजली मतलब जितना बार मैंने मैकडोनल्ड्स के बर्गर को टेस्ट किया, उसका जो बन होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है, बट इसका ऊपर में एक हल्का सा हार्डनेस है, बिल्कुल हल्का सा, बट यार टेस्ट में मतलब मैं बता दूँ बहुत सही टेस्ट आ रहा है यार इसका, बहुत सही टेस्ट आ रहा है। और ये जो लेटेक्स है और जो कॉर्न एंड चीज का जो पैटी है और कॉकटेल का, मतलब काफी अच्छे से मतलब ये जो टेस्ट है बैलेंस हो रहा है, मतलब मेरे मतलब टेस्ट बड में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज का ही टेस्ट आ रहा है, मतलब तीन चार चीज का कॉम्बिनेशन मतलब एक टेस्ट आ रहा है। और ये सॉस तो बहुत जादू है, मतलब सारे पैसे भाई इस सॉस के ही है, बहुत सही है यार, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वेज वाला। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए चिकन वाले को भी टेस्ट कर लेते हैं। हेवी भी है यार, मतलब ऑलमोस्ट 300 ग्राम का तो होगा ये, 200-300 ग्राम का। और ये चिकन वाला इतना छोटा क्यों लग रहा है, सच्ची मुझे चिकन वाला छोटा लग रहा है, वेट मैं दिखाता हूँ। ये देखो चिकन वाला छोटा लग रहा है ना थोड़ा, खैर वो सब टेस्ट की बात है, वो टेस्ट करके बाद में बताता हूँ कैसा है। और बट मानना पड़ेगा यार, देखो यार सब कुछ अपनी जगह पे है काफी अच्छे से, वो अलग बात है टोमेटो गिरने वाला है, बट मैं गिरने नहीं दूंगा, तो इसी साइड से ही बाइट लेना है मुझे पहला। एक तो कंफ्यूजन है यार इसको, मैं सबसे सब पहला बाइट लू कहां से, मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कहां से लू। चलो यहीं से लेता हूँ, सच बोलूँ तो मुझे चिकन वाले में फ्लेवर कम लगा। और चिकन वाला मतलब जैसे कि इसका भी मतलब इसमें भी सेम इंग्रेडिएंट्स ही यूज है, हलपीनो लेटेक्स और कॉकटेल सॉस, बट पता नहीं क्यों इसका जो मतलब फ्लेवर है ना, मुझे काफी कम लगा इसमें फ्लेवर। और वेज वाले में जो फ्लेवर है
और बैलेंस जो होता है ना, मतलब टेक्सचर बैलेंस वो सब भी मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से बैलेंस्ड है, बट इसका वैसा मुझे नहीं लगा। और वेट, मैं इसका सिर्फ जो पैटी है, चिकन पैटी, इसको ट्राई करता हूँ। इसकी जो चिकन पैटी है ना, इसमें फ्लेवर बहुत कम है, मतलब बिल्कुल सिंपल सा एक पेटी है, बोनलेस, मतलब कुछ भी, मतलब इसको मे बी सो मेरे को तो वेज वाला ज़्यादा बेटर लगा, और नॉन वेज वाला भी नॉर्मली है, बट अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो वेज वाला जरूर ट्राई करना, मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा। और बस जब तक ये गर्म है तब तक मैं इसको खा के ख़त्म करता हूँ, और उसके बाद तुम लोग से मैं बात करता हूँ। और हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोग कौन सा ट्राई करने वाले हो, और इससे पहले अगर ट्राई किए हो महाराजा मैक को टेस्ट, तो तुम्हारा फेवरेट कौन सा है और क्या अच्छा लगता है इस बर्गर में, तो मुझे बताओ, तब तक मैं खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोग से बात करता हूँ। ओके, हो कि तुम लोग को ये आज का मेरा रिव्यू वीडियो अच्छा लगा। और लास्टली मैं बस इन दोनों की वैल्यू फॉर मनी की बात करूँ, तो बॉस इन दोनों का मुझे प्राइस पड़ा, मतलब वेज महाराजा मैक का प्राइस पड़ा 164, और चिकन महाराजा मैक का मुझे पड़ा 174। और मैं बता दूँ, ये जो प्राइस है रिजनेबल प्राइस है, कोई उतना मुझे ज़्यादा ये प्राइस नहीं लगा, क्योंकि यार देखो क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतना है कि मतलब एक तो तुम पूरा खाओगे तो तुमको लास्ट में ऐसा होने लगे यार बहुत है, अब मुझसे ख़त्म नहीं होगा। और फ्लेवर भी यार बहुत है, अगर वेज वाले लेते हो तो यार और भी अच्छा फ्लेवर उसमें मिलेगा तुमको, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार वेज वाला जरूर ट्राई करो, या फिर तुम वेजिटेरियन हो या फिर नॉन वेजिटेरियन हो, बट वेज वाला जरूर ट्राई करना, तो मैं सबको बोल रहा हूँ। और अब बात करते हैं मतलब इसकी टेस्ट की, तो टेस्ट यार मैं बता दूँ तो 8 out of 10, और मैं प्राइस की बात करूँ मतलब रिजनेबल है या नहीं है, तो प्राइस मैं बोलूँगा इसका वो भी 8 out of 10, और क्वांटिटी तो यार 10 out of 10। सो बस होप कि तुम लोग को आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और तुम्हें कौन सा बर्गर ज़्यादा पसंद आया और कौन सा ट्राई करने वाले हो। और एक बात, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, और हाँ अगर इस चैनल में न्यू हो तो यार सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना और बेल आइकन को भी दबा देना। सो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और बहुत जल्दी एक दो और वीडियो आने वाला है। ओके, और हाँ कोई भी सजेशन हो, कोई भी वीडियो पे कुछ भी सजेशन हो, सो कमेंट डाउन बिलो बॉस, कमेंट डाउन बिलो। चलो बाय।